नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे बेहद खास जानकारियाँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि हमारे शरीर के कई अंग ऐसे होते हैं जो फड़कने लगते हैं, ये क्या दर्शाते हैं? आइए दोस्तों, बात करते हैं इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, अंग फड़कने के ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे हमारे शरीर के अंग हैं जो फड़कते रहते हैं। कई लोगों के कान फड़कते हैं, कई लोगों के होंठ, और कई लोगों का नाक फड़कता है। लेकिन दोस्तों, इस फड़कने की अवस्था में सबसे ज़्यादा महत्व किसे दिया जाता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो चीज़ है आँखें, जिससे कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके जीवन में आ जाती है। क्या यह एक रहस्य है या इसे किसी अन्य चीज़ के साथ जोड़कर देखा जा सकता है? बहुत सारे लोग होते हैं जो इसे अंधविश्वास समझते हैं, लेकिन दोस्तों ये एक रहस्य है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा निश्चित तौर पर होता है, जब उनकी आँख फड़कती है तो कहीं ना कहीं शुभ या अशुभ घटना उनके साथ होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे, आपको बताएंगे कि इसके पीछे की वास्तविकता क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पुरुषों की। दोस्तों, वैसे तो भगवान ने सबको दो आंखें दी है, लेकिन बात करें तो दोनों का प्रभाव अलग अलग होता है। अगर बाईं आंख किसी पुरुष की फड़क रही है तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में अशुभता आती है, कोई अशुभ समाचार सुनने को मिलता ही है, कुछ ना कुछ अशुभ उसके जीवन में घटने वाला है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जो व्यक्ति इसके अंदर गहराई से उतर जाते हैं, इसको बारीकी से देखते हैं, तो उनके ऊपर आँख का फड़कना शुभ या अशुभ प्रभाव जरूर डालता है। तो कहीं ना कहीं कुछ खास हमारे जीवन में ऐसा होने लगता है अगर हम इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो। जैसे कहीं जा रहे हैं या किसी खास काम के लिए आप घर से बाहर जा रहे हैं, और रास्ते में बिल्ली का आ जाना या बिल्ली का एकदम से रास्ता काट जाना अशुभ माना जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस नेगेटिविटी की परवाह नहीं करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि आज बिल्ली ने रास्ता काट दिया है तो ज़रूर हमारे साथ कुछ गलत होगा या अशुभ होगा। दोस्तों, ऐसा हर किसी के जीवन में होता है, हर किसी के साथ ये घटना घटती रहती है, लेकिन सबका सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है। किसी के साथ अगर ऐसा हो भी जाता है और किसी के साथ नहीं होता है, तो दोस्तों कभी भी किसी खास कार्य के लिए अगर आप जा रहे हैं तो नेगेटिव विचार अपने मन में मत लाइए। अंग फड़कने के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। पुरुष का बाईं आंख का फड़कना अशुभ होता है, वहीं महिला का बाईं आंख का फड़कना शुभ माना जाता है, और पुरुष का दाईं आंख फड़कना शुभ माना जाता है, वहीं महिला का दाईं आंख का फड़कना शुभ नहीं माना जाता है। महिलाओं में वाम अंग फड़कना अच्छा होता है, महिलाओं की बाईं आंख फड़कना बहुत ज़्यादा शुभ संकेत देती है। पुरुष की बाईं आंख अशुभ, वहीं महिला की दाईं आंख अशुभ संकेत देती है। अब दोस्तों, किसी के साथ यदि ऐसा हो जाता है, बार बार आंखें फड़कती रहती है, बार बार कोई दूसरा अंग भी फड़क रहा है, तो उस स्थिति में हम क्या करें? जैसे कि हम बात करें दूध की। दोस्तों, दूध मानव शरीर के लिए बहुत ही उत्तम है, मानव शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, वहीं विटामिन डी की कमी भी दूध पूरी करता है। लेकिन दोस्तों, हर किसी को दूध सूट नहीं करता है, तो ऐसा ही प्रभाव कुछ इन चीज़ों का भी हमारे शरीर पर पड़ता है। आप किसी चीज़ को नहीं मानते वो अलग बात है, लेकिन जो मानते हैं आज हम उनके लिए इस वीडियो में अपना पक्ष रखने जा रहे हैं। एक साधारण सी बात है दोस्तों, अगर किसी पुरुष की बाईं आंख फड़कती है तो यह निश्चित है कि कहीं ना कहीं उसके जीवन में कुछ अशुभ होने वाला है या असत्य घटना घटने वाली है। अगर किसी मनुष्य की आंख 24 घंटे से ज़्यादा या लंबे समय से फड़क रही है, या किसी की कई दिनों तक आंखें फड़कती रहती है, आपको अपनी आंख का तारा फड़कता हुआ नजर आता है, कई बार जैसे आंख की
आईलिड भी पूरी तरह से फड़कती हुई नजर आती है तो ये अवस्था अच्छी नहीं होती है। अब हम इससे बचे कैसे? भगवान ना करे कि किसी के साथ कुछ ऐसा हो, लेकिन इस चीज की वास्तविकता को लेकर आपको जो कुछ मैं बताने जा रही हूँ, इस चीज को दोस्तों मैंने भी महसूस किया है, हम सबने महसूस किया है। ये अंधविश्वास की बात नहीं है, लेकिन मैंने देखा है अगर किसी पुरुष की बाई आंख फड़कती है तो कुछ ना कुछ उसके साथ गलत होता है, उसे नुकसान होता है। तो दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन महिलाओं में इसकी शुभता और अशुभता का प्रभाव विपरीत होता है। अगर किसी का जबड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इन चीज़ों से हम दूरी कैसे बनाएं? क्या ऐसे उपाय करें जिससे इनके अशुभ प्रभावों से हम बच सकें? व्यक्ति की आँख क्यों फड़कती है? अगर वह नकारात्मक फल देती है तो उसको सकारात्मक रूप में हम कैसे बदलें? अगर आपकी भी आँख फड़क रही है, आप अपनी अंगुली को हल्की सी अपने जीभ से टच करें और उसको फिर अपनी आँख के ऊपर लगा लें। कोई भी हल्का सा कागज का टुकड़ा कहीं से तोड़ कर ले आए, कागज तो हर कहीं हमें अपने घर में मिल जाता है, उस कागज के टुकड़े को आप अपनी आँख की ऊपरी पलक पर लगा लें। दोस्तों ये उपाय आपको जो अशुभ संकेत देती है उस आँख के ऊपर करना है, जो शुभ संकेत देती है या पॉजिटिव होती है उसके ऊपर नहीं करना है। जैसे महिलाओं को दाई आँख के ऊपर लगाना है, वहीं पुरुष की अगर बाई आँख बार बार फड़क रही है तो उसके ऊपर ये प्रयोग करें। वैसे तो आपकी सकारात्मक फल देने वाली आँख भी फड़कती रहती है, उसको दोस्तों आपको रोकना नहीं है। अगर आपकी नकारात्मक फल देने वाली आँख फड़क रही है तो उसको आपको रोकना है। अब आपको कागज का टुकड़ा अपने मुंह में लेकर गिल्ला करके अपनी आँख के ऊपर चिपका लेना है। इसके बाद नेक्स्ट उपाय की बात करें तो वो है, आप एक कटोरी में पानी लें। दोस्तों अगर कटोरी पीतल की हो तो सबसे उत्तम रहेगा, अगर नहीं है तो प्लास्टिक का बर्तन आप ना लें और कोई बर्तन ले सकते हैं। अब उस कटोरी को पानी से पूरा भरकर उस पानी को चाकू की धार से 9 या 11 बार काटें और उस पानी से अपना मुंह धो लें। ऐसा करने से जो नकारात्मक तथ्य है वो आपके जीवन से मिट जाएंगे। इस उपाय को आप अवश्य करके देखना। दोस्तों इसके साथ साथ आपको माँ भगवती के मंत्र का जाप करना है। अगर मंत्र आपको नहीं आता है तो आप माँ भगवती के नाम का मन ही मन स्मरण करें, ध्यान करें। ऐसा करने से जो आपकी अशुभ आंख फड़क रही थी वो आपको नकारात्मक फल नहीं देगी और फड़कने से रुक जाएगी। दोस्तों इन मंत्रों का जाप आप कभी भी कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते। अंग फड़कने का नकारात्मक प्रभाव है वो आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप अपने हाथ से दान जरूर करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो गौ माता को कुछ ना कुछ चीज़ जरूर खिलाएं। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट उपाय की बात करें, अगर आपकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, आपको कुछ याद नहीं रहता है, तो हनुमान जी का एक दोहा है, उस दोहे का उच्चारण आप जरूर करें। हनुमान चालीसा में एक दोहा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। इस दोहे के जाप से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अंत में एक छोटा सा उपाय मैं आपको और बताने जा रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो रही है, आपको नेगेटिव परिणाम बार बार मिल रहे हैं या आपकी आँख फड़क रही है, आप अपने पांव की थोड़ी सी मिट्टी उठा लें, उस मिट्टी में आप थोड़ा सा नमक भी डाल लें और उसे आप अपने बाएं हाथ में लेकर जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है महिलाओं की राइट आंख पूरी होती है, उस मिट्टी को उसी आंख पर ही लगाएं और पुरुषों को इसके विपरीत लगाना है। और उसके बाद अपने सिर से 9 या 11 बार वार करके पीछे की ओर फेंक दें। ऐसा करने से आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, शुभ संकेत मिलेंगे, आपके साथ बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा, तमाम नकारात्मकता आपके जीवन से दूर हो जाएगी। दोस्तों मैंने जो आपको हनुमान चालीसा के दोहे का जाप बताया है वो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी करें एक साथ 3 बार अवश्य करें। इसके बाद दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए अपने घर से जा रहे हैं तो अपने माथे पर लाल रंग का तिलक जरूर लगाएं। लाल रंग के तिलक में इतनी ज़्यादा शुभता होती है कि किसी भी कार्य को अगर आप करने के लिए निकल रहे हैं तो उसके
शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें आपको प्रसिद्धि मिलेगी। कुमकुम अपने माथे पर लगाकर थोड़े से चावल उसके ऊपर जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपके नेगेटिव परिणाम शुभ परिणामों में बदल जाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। इसी के साथ हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।